फ्रेंड वीजे स्टाइल द किंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ PS2 का गेम बैड बॉय मियामी टेक डाउन के चीट कोड्स। तो फ्रेंड कुछ टाइम पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा था कि इस गेम के चीट कोड लेके आइए, तो आज मैं उनके लिए ये चीट कोड लेके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड ये USA वर्जन के चीट कोड हैं, तो किसी अदर वर्जन में आप ट्राई मत कीजिएगा वरना ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ये चीट कोड मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करने होंगे। और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये चीट कोड मिल जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड हो जाने के बाद अब हमें चलना है अपने ES फाइल एक्सप्लोरर में, या फिर आपके पास जेड आर्काइवर हो या फिर अदर कोई ऐप हो जिससे आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें आपको चले जाना है, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ पे भी आपकी वो फाइल डाउनलोड हुई हो उस फोल्डर में आपको चले जाना है। बैड बॉय 2 USA वर्जन के नाम से आपको ये जिप फाइल मिल जाएगी चीट कोड की, ठीक है। इस पर आपको होल्ड करना है, तो आपको जैसे एक्सट्रैक्ट करना आता है आप कर लेना, मैं अपने ES फाइल एक्सप्लोरर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर होल्ड करके रखना है, इसके बाद इस पर जो टिक का निशान आ चुका है इसके बाद ये 3 डॉट पर क्लिक करना है हमको। इसके बाद स्टैक 2, तो जहाँ भी आप लोकेशन देना चाहते हो स्टैक करने की आप दे सकते हैं, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड इसके अंदर पासवर्ड है, तो पासवर्ड आपको एक एक अल्फ़ाबेट में एक एक लेटर में मतलब मिलता जाएगा, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, एक भी लेटर आपसे मिस नहीं होना चाहिए वरना आपका जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और सारे ही जो अल्फ़ाबेट होंगे लेटर्स होंगे वो आपको कैपिटल में डालने हैं, स्मॉल वर्ड में नहीं डालने हैं, ठीक है। और कोई स्पेस भी नहीं देना है हमें पासवर्ड लिखते वक्त, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइल स्टैक हो जाने के बाद आपको ऐसी येलो कलर में दिखाई देगी VJ बैड बॉय 2 USA, ठीक है। तो ये फाइल को आप जहाँ भी रखना चाहो वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें चलना है अपने ईथर SS2 एमुलेटर के अंदर, फिर मैं आपको बताऊँगा हमें चीट कोड कैसे इनेबल करने हैं और वो चीट कोड वर्किंग है या नहीं, और कौन कौन से चीट कोड हमें इसके अंदर मिलते हैं वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे जो एक एक अल्फ़ाबेट मिलेगा पासवर्ड का वो भी आपसे मिस ना हो और आपको सारे जो चीट कोड हैं उनके बारे में आपको पता चल सके, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं अपने ईथर SS2 एमुलेटर के अंदर। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने ईथर SS2 एमुलेटर के अंदर, तो अब मैं आपको बताऊंगा चीट कोड हमें कैसे इनेबल करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है, ऐप सेटिंग में जाना है। इसके बाद जनरल में फास्ट बूट के नीचे आपको इनेबल पैच कोड्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये इनेबल हो चुका है, ब्लू कलर का हो चुका है मतलब, तो अब ये इनेबल हो चुका है। अब हमें कर लेना है बैक। बैक करने के बाद अब आपको चलना है अपने गेम के अंदर, तो हम गेम पे क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा करना होगा हमें वेट, ठीक है। अब करना है हमें बैक। इसके बाद अचीवमेंट्स के नीचे आपको पैच कोड्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐड पैच में जाना है, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद जहाँ पे भी आपने वो फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखी हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, तो VJ बैड बॉयज़ के नाम से थी वो फाइल, ठीक है। ये रही VJ बैड बॉयज़ 2, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप ऊपर देख सकते हैं 15 चीट पैच आर एक्टिव, तो हमारे जो चीट कोड हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से हमें चीट कोड मिलते हैं और वो वर्किंग है या नहीं। तो चलते हैं अभी गेम के अंदर। तो हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, तो अब हम इसको प्ले कर लेते हैं, ठीक है। यस, ओके, तो अब हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट और आप देख सकते हैं हमारे जो मनी है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये पहला जो चीट कोड है वो वर्किंग है आपके सामने, और आप देख सकते हैं ग्रेनेड हमारे पास 99 है, आपको दिखा दूं तो आप देख लीजिए, ठीक है। और हमारे पास जो एमओ है वो इन्फिनिट रहेंगी, शुरू शुरू में आपकी जो एमओ है वो घटेंगी ज़रूर, लेकिन 0 होने के बाद वो एक भी आपकी एमओ कम नहीं होगी, मतलब आपको रीलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर इन्फिनिट एमओ और नेवर रीलोड का भी चीट कोड है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी एमओ बिल्कुल 0 दिखा रहा है, लेकिन हम फायर कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो हमें रीलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इन्फिनिट हेल्थ के बारे में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं हमारी हेल्थ और जो हमारी आर्मर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं हमारा जो आर्मर है वो भी फुल रहेगा और जो हमारी हेल्थ है वो भी फुल रहेगी। तो ये सारे चीट कोड आप देख सकते हैं वर्किंग है, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं सारे चीट कोड्स। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो ग्रेनेड है वो आपका इन्फिनिट है कि नहीं, तो हम इसकी साइड ग्रेनेड फेंक देते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रेनेड एक भी कम नहीं हुआ है, तो ये भी एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है चीट कोड। तो हमारे जो चीट कोड हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आगे आप थोड़ा और देख लीजिए, और भी चीट कोड मैं आपको दिखाऊंगा इसके और कौन कौन से चीट कोड हमें मिलते हैं इसके अंदर।
तो हमारे पास चाहे कोई सी भी गन हो, उसकी जो एमओ है वो इन्फिनिटी रहेंगी। तो इस गन को हम ट्राई कर लेते हैं। अभी हमारी एमओ कम ज़रूर होंगी, लेकिन ज़ीरो हो जाने के बाद एक भी ख़त्म नहीं होगी हमारी एमओ, और रिलोड करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे चीट कोड वर्किंग है। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे ही चीट कोड वर्किंग हैं। इसके अंदर हमें डीबग का भी चीट कोड है, तो आप डीबग का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप जानते हो तो डीबग क्या होता है। अभी मैं आपको डीबग के बारे में बताऊंगा, हालांकि मैंने डीबग मोड ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे ही चीट कोड वर्किंग है, हमारी हेल्थ पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, हमारी आर्मर जो है वो भी फुल है, ठीक है, और जो हमारे मनी है वो इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं डीबग मोड के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इसका जो सेलेक्ट बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर डीबग आ चुका है, फाइल है, रंबल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो पीसी की तरह ये हमको दिखा रहा है, जो विंडो आते हैं पुराने विंडो जो थे उनकी तरह ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसके अंदर आपको डीबग मोड मिल जाता है, इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे सामने ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। और भी इसके दिखा देता हूँ मैं कुछ जो मैंने यूज़ किए थे डीबग मोड में। कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो हम चाहें तो इस कैमरे से भी खेल ही सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ये डीबग मोड रहेगा, लेकिन इससे वर्क करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो हम इसको वापस से हटा देते हैं। तो इसमें डीबग में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप थोड़ा गेम को अलग तरीके से प्ले कर पाओगे, ठीक है। अब इसका डीबग मोड हम वापस से सेलेक्ट बटन करके हटा देते हैं। तो डीबग में भी बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं आपको बहुत से, ठीक है। तो आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारे ये चीट कोड भी वर्किंग है। तो फ्रेंड यही थे चीट कोड इस गेम के और सारे ही वर्किंग हैं, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको चीट कोड की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इस गेम को प्ले कर सकते हैं। सारे ही चीट कोड हमारे वर्किंग हैं, जो ज़रूरी थे वो चीट कोड मैंने आपको दे दिए हैं। हमारी हेल्थ पे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, हमारी एमओ भी इन्फिनिट है। आप देख सकते हैं हमारी एमओ बिल्कुल ज़ीरो है और फिर भी वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो एनिमीज़ को कर देते हैं ख़त्म। ये शॉट गन है तो ये बार बार रीलोड करनी पड़ती है एक शॉट के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे चीट कोड वर्किंग है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर सकते हैं जिनको वीडियो गेम में इंटरेस्ट है, जो एमुलेटर के गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गेम प्ले के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, बाय फ्रेंड्स।